या आजकल हम देख रहे हैं कि जब से मरियम वापस आई है, झूठ की फैक्ट्री जो है वो इनकी वापस खुल गई है, जिस तरह पहले भी ये अपने झूठ की दुकान खोल कर रखती थी। क्या आज इन्होंने एक बात और कही है कि जो मोजेस जज है उनके ऊपर इल्जाम लगाया है कि उनके दामाद, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, तो उनको जो है शायद किसी किस्म का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा जो है ये क्राइम है, ये तौहीन अदालत में कहूंगा, और मैं चाहूंगा कि चीफ जस्टिस साहब जो है इसका नोटिस लें, उसी तरीके से नोटिस लिया जाए जिस तरीके से इमरान खान के खिलाफ नोटिस लिया गया था, जब जो है जज जेबा साहबा के ऊपर जो है कहा गया था कि इमरान खान साहब ने कोई ऐसी बात कही है। सो मैं समझता हूं कि इस तरीके से ऐसे झूठे लोगों को अगर आजादी दे दी जाएगी और जो उनके दिल में आए वो बोलते रहें, तो ये नाइंसाफी होगी, और अदालतों के साथ भी नाइंसाफी, हमारे ऑनरेबल जज के साथ भी नाइंसाफी। सो आई एम होपिंग कि इंशाल्लाह ताला जज साहब जो है इनके खिलाफ नोटिस लेंगे।